हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द पैशनेट व्लॉगर। सो मैं आज ना पहुंच चुकी हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की कैंपस पर और करने वाली हूँ पूरी कैंपस की टूर। तो आप सब मेरे साथ बने रहिए और एंजॉय करते रहिए पूरी कैंपस के व्यू को। और ये वाला वीडियो ना बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है वो स्टूडेंट के लिए जो यहाँ पर एडमिशन करने वाली है, नहीं तो कर चुके हैं और बस हॉस्टल आने की देर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना टूर। और उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, और पास में रहे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलो फिर लेट्स गो। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गेट नंबर 3 के बाहर। तो यूनिवर्सिटी का स्पेशली 3 गेट है, जो फर्स्ट गेट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की तरफ खुलती है और ये थर्ड गेट है जो वो हॉस्टल से पास करती है। तो हम तो भाई अभी थर्ड गेट से एंटर करेंगे और ये बाहर के नज़ारा कुछ ऐसा है, बहुत सारा शॉप्स है और यहाँ पे शाम को और भी ज़्यादा भीड़ रहती है, कुछ ठेले वाले भी लग जाते हैं इधर। सो वेज नॉन वेज हर टाइप का फूड मिलती है, तो उसके ऊपर तो मैं एक दूसरा वीडियो बना दूँगी। अभी चलते हैं गेट 3 के अंदर और देखते हैं क्या है कैंपस के अंदर। यहाँ पे सिक्योरिटी भैया भी दिख गए। तो ये गेट नंबर 3 है, यहाँ से जाने के बाद लेफ्ट साइड में एक सिक्योरिटी रूम आएगा, वहाँ पे मेल फीमेल दो सिक्योरिटी बैठते हैं, ये वाला जो रूम है। और पास में जो कुछ कॉपी पड़ा हुआ है वो तो रजिस्टर है, जब आप बाहर जाओगे तो अपना हॉस्टल नंबर, रूम नंबर, डिपार्टमेंट, वो सब डिटेल्स डाल के जानी होती है और आते टाइम भी उसको क्लोज करके आना होता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो लगभग बहुत अच्छा है। तो अभी हम हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं। तो इस रोड पे आगे 300 से 400 मीटर जाने के बाद पहले राइट साइड पर गर्ल्स हॉस्टल आएगा, फिर थोड़े ही आगे जाके लेफ्ट साइड में बॉयज़ हॉस्टल आएगा। तो पूरी यूनिवर्सिटी में टोटल 4 गर्ल्स हॉस्टल है और 3 बॉयज़ हॉस्टल है। तो अभी हम हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं। तो आप अभी देख पा रहे होंगे हमारे साइड में एक ई रिक्शा पास कर दिया गया। यूनिवर्सिटी के अंदर तो ई रिक्शा की फैसिलिटी भी रहती है, तो इसका एक स्टैंड होता है जो कि गर्ल्स हॉस्टल के सामने है। तो वहाँ से आप ई रिक्शा लेके एकेडमिक ब्लॉक जा सकते हो, अपने डिपार्टमेंट जा सकते हो, या कोई भी जगह जो हॉस्टल से थोड़ी दूर पर है तो आप ई रिक्शा से आराम से जा सकते हो। यूनिवर्सिटी के अंदर बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो बस का ना पर्टिकुलर टाइम रहता है, उसी टाइम में ही वो हॉस्टल क्रॉस करके जाता है, तो आप उसी टाइम बस में जा सकते हो। अगर बस छूट गया है तो ई रिक्शा लेके जा सकते हो, नहीं तो और भी एक बढ़िया सा ऑप्शन है जो कि है पैदल जाना। तो अगर आप पैदल जाना प्रीफर कर रहे हैं तो पैदल भी जा सकते हो। और अगर आप एकेडमिक ब्लॉक का व्यू देखना चाह रहे हैं तो उसका वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहां जाके दे सकते हो। चलो फिर अभी चलते हैं हॉस्टल की तरफ। यहाँ से आपको दो रोड दिख रहा होगा, एक लेफ्ट साइड की तरफ है और एक सीधा है जो कि हॉस्टल की तरफ जाता है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि कैंपस के अंदर एक केंद्रीय विद्यालय है, तो यहाँ पे पास के कुछ बच्चे पढ़ते हैं और कैंपस के अंदर जो स्टाफ्स रहते हैं, टीचिंग हो गए, नॉन टीचिंग हो गए, तो उन स्टाफ के बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं। तो अभी हम स्कूल की तरफ जा रहे हैं, अभी स्कूल थोड़े ही आगे जाके राइट साइड पर आएगा। तो चलो देखते हैं स्कूल के पास की नज़ारा कैसा दिखता है। मैं पहुंच चुकी हूं केंद्रीय विद्यालय शिवराज बांधव सिंह जी के सामने, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर ही है। तो ये हो गया उस विद्यालय का बिल्डिंग।
तो आर्किटेक्चर यहाँ की बहुत ही अच्छी है, आप राजस्थान आके यहाँ के आर्किटेक्चर को कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि सच में बहुत कमाल के आर्किटेक्चर है जितना मुझे लगता है, और उसका खासियत भी है बहुत। और आगे ये गार्डन है जो कि बहुत अच्छा है, यहाँ पे फ़ोटोज़ स्पेशली फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आती है यहाँ पे, तो आप जल्दी से आइए यहाँ पे फ़ोटो ले लीजिए अपनी। और आगे की जो रोड है ये बस बॉयज़ हॉस्टल की रोड के साथ कनेक्ट होता है, तो हम आगे नहीं चलते अभी, वापस चलते हैं अपनी मेन रोड पर जहाँ से हम लेफ़्ट की तरफ आए थे। जगह है ये जस्ट गर्ल्स हॉस्टल से पहले ही आता है, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप सुबह की टाइम है तो सारे दुकान तो नहीं खुली है, तो यहाँ पे आपको एक पोस्ट ऑफिस मिल जाएगा, कुछ बेकरी शॉप भी है, चाय वाले दुकान भी है, साइड में वेजिटेबल्स भी वो साथ में रखते हैं क्योंकि कुछ फैमिली भी रहती है इधर, तो पीछे में एक जनरल स्टोर है जहाँ पर हर कुछ सामान मिल जाता है, और साइड में फोटो स्टेट की दुकान है, तो छोटा मोटा जेरोक्स हो या PDF हो स्टूडेंट को यहाँ पे मदद हो जाती है। और ये राइट साइड में बैंक ऑफ इंडिया है, तो बैंक भी है कैंपस के अंदर ही, और उसके साथ साथ एक ATM भी है जो मैं आपको दिखाती हूँ थोड़े आगे जाके, और थोड़ा जूम कर दूँगी तो आपको दिखेगा अभी, तो वो रहा ATM। तो आप अगर कैंपस के अंदर हो, आपको पैसों की ज़रूरत हो, तो यहाँ पर वो भी अवेलेबल हो जाएगी। तो ये लेफ़्ट साइड वाला जो बिल्डिंग दिख रही है ये गर्ल्स हॉस्टल है, B4 गर्ल्स हॉस्टल, जैसे कि मैंने बताया था पहले आपको कि 4 गर्ल्स हॉस्टल है, तो ये वाला जो है ये B4 है। राइट साइड वाली ये जो बिल्डिंग है ये हेल्थ केयर सेंटर है, और यहाँ पे जैसे कि आपकी जुकाम हो गया, बुखार या पेट दर्द है, जो छोटी मोटी बीमारी है उसकी तो मेडिसिन अवेलेबल होते हैं, और डॉक्टर्स भी रहते हैं इधर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, एम्बुलेंस की सर्विस भी रहती है, अगर आपको कोई सीरियस बीमारी है तो यहाँ से भी वो लोग भेज देते हैं, नहीं तो आपको खुद के रेस्पॉन्सिबिलिटी में जाना पड़ेगा। तो ये रही वो वाली बिल्डिंग, थोड़ा पुरानी हो गई है पर सही है, जो है काम चलाना पड़ेगा, और उसकी टाइमिंग भी इधर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में ये खुला रहता है। अभी आगे भी ऐसा कुछ नहीं है, तो हम वापस चलते हैं वो मेन रोड पे जहाँ से हम अंदर की तरह आए थे। मैं पहुंच चुकी हूं अभी गर्ल्स हॉस्टल के पास, आपको दूर से एक साइन बोर्ड दिख रहा होगा जहां पे जो सब जगह है जैसे कि बॉयज़ हॉस्टल हो गया या डिफरेंट डिपार्टमेंट हो गया उसकी डायरेक्शन दिखाई गई है। और आगे जाके अभी लेफ्ट साइड में ये आप देख पा रहे होंगे ई रिक्शा की स्टैंड है, जो मैं पहले बता रही थी कि ई रिक्शा सर्विस अवेलेबल है, तो सारे यहाँ पे रहते हैं और आप यहाँ से ई रिक्शा लेके आप कहीं भी जा सकते हो यूनिवर्सिटी के अंदर। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं गर्ल्स हॉस्टल के सामने, आप देख पा रहे होंगे अभी जो हमारे सामने दिख रही है ये B4 गर्ल्स हॉस्टल है, अभी के लिए तो बंद है क्योंकि जो न्यू बच्चे आएंगे न्यू अलॉटमेंट होगी ये हॉस्टल, तो ये वाला जो प्लेस है ये B4 हॉस्टल की प्लाजा है, यहाँ पे प्लाजा बोलते हैं, तो यहाँ पे कुछ बैठने की सुविधाएँ हैं, बच्चे यहाँ के पढ़ाई भी करती है, कुछ बर्थडे पार्टी हो गया या कोई छोटी मोटी पार्टी है तो यहाँ पर भी हो जाती है, और यहाँ की व्यू भी बहुत अच्छी है, फाउंटेन है लेकिन अभी के लिए बंद है। तो अभी हम चलते हैं आगे की तरफ, अपने आगे के सफ़र तय करते हैं, क्योंकि मैं बता रही थी कि 4 गर्ल्स हॉस्टल है, तो आपने B4 हॉस्टल देख ली, ये साइड में पार्किंग प्लेसेस है। Gracias.
तो ये B3 हॉस्टल है, इसके सामने भी एक B3 प्लाज़ा बनी हुई है, आपको दिखा रही हूँ अभी। आगे ऐसे और दो हॉस्टल है जो B1 और B2 है, तो पहले B2 आएगा फिर उसके बाद B1 आएगा। तो हर हॉस्टल के सामने पार्किंग प्लेसेस है और एक प्लाज़ा है, प्लाज़ा जो कि मैं बता चुकी हूँ, एक सीटिंग अरेंजमेंट है बच्चों के लिए, तो वो आराम से वहाँ पे बैठ सकते हैं, अपनी पढ़ाई कर सकते हैं या अपने कोई भी काम कर सकते हैं। तो ऐसे ही चार हॉस्टल है, B1 हॉस्टल स्पेशली PhD स्टूडेंट्स के लिए है और B2 B3 V4 में UG PG दोनों के बच्चे मिलकर रह रहे हैं। फाइनली यहाँ पे ये फाउंटेन वर्किंग कंडीशन में है, तो B1 हॉस्टल के सामने वाला प्लाजा है ये, तो आप देख पा रहे होंगे ये फाउंटेन अभी चालू है। तो जब ये वर्किंग कंडीशन में रहती है तो बहुत सुंदर दिखती है, अदरवाइज बाकी तो आपने देख लिया है। तो PhD वालों के हॉस्टल में तो भाई कुछ तो रेस्पेक्ट होनी चाहिए उनके लिए, तो चला दिए इसको। तो हमारा क्या है, हमने देख लिया तो उसी में खुश रहो ना, आगे चलो आगे देखो क्या क्या है। अभी हम अभी पहले वाले वो मेन रोड पे फिर पहुंच चुके हैं जहाँ पे हम गर्ल्स हॉस्टल की तरफ गए। तो मैं पहले बता चुकी थी कि गर्ल्स हॉस्टल से थोड़े ही दूर जाने के बाद लेफ्ट साइड में बॉयज़ हॉस्टल आएगा, तो हम अभी बॉयज़ हॉस्टल की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल के सामने वाला व्यू है, ये कितने अच्छे दिख रहे हैं ये वाले पेड़ पौधे। तो पता नहीं क्यों बोलते हैं राजस्थान में पेड़ पौधे उतना ज़्यादा नहीं दिखते हैं, तो मुझे तो कैंपस की व्यू बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ से लेफ्ट साइड में बॉयज़ हॉस्टल और मेगा मेस आएगा। तो यहाँ पे हॉस्टल के सामने एक बास्केटबॉल ग्राउंड है, और यहाँ से सीधा जाने पर तीन बॉयज़ हॉस्टल आएगा जो कि है B5 B6 और B7। तो B7 जो है वो स्पेशली PhD स्टूडेंट्स के लिए है, और सारे बॉयज़ हॉस्टल का एक ही मेस होती है जिसको हम मेगा मेस कहते हैं इधर। तो ये जो रूम दिख रही है सिक्योरिटी का मेन कैबिन है, और यहाँ पे वो सिक्योरिटी का गाड़ी भी रखी हुई है। तो ये जो कैंपस है टोटल 500 एकड़ एरिया पर बनी हुई है, अभी कुछ एरिया ऐसे भी है जो अंडर कंस्ट्रक्शन पर है। पूरी कैंपस की टूर एक वीडियो में करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं सोच रही हूँ इसका Part 2 वीडियो जल्द ही अपलोड करूँगी। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, और आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए या कोई भी जानकारी चाहिए हॉस्टल के रिलेटेड, कैंपस या यूनिवर्सिटी के रिलेटेड, तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं ट्राई करूँगी आपको हेल्प करने के लिए और आपकी हर डाउट को क्लियर करने के लिए। तो तब तक आप मेरे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो टेक केयर एंड बाय बाय।